झरिया सेल जीतपुर कोलियरी के जीतपुर 2 नंबर सामुदायिक भवन में ठेका मजदूरों द्वारा BCKU के बैनर तले आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद सागिर ने किया, जबकि संचालन योगेंद्र महतो ने किया। वहीं मुख्य अतिथि यूनियन के संयुक्त महामंत्री कॉमरेड मानस चटर्जी ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार श्रम विरोधी कानून लाकर मजदूरों का शोषण कर रही है। सभी मजदूरों को एक मंच पर आकर काला कानून के विरोध में लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कोल इंडिया पर हमला करते हुए कहा कि 25% शेयर को बेच दिया गया है, वहीं बीमा कंपनी, रेलवे, हवाई अड्डा को निजीकरण करने की तैयारी कर रहे हैं। सभा को सुंदरलाल महतो, सुरेश पासवान, सुरेश प्रसाद गुप्ता, सबूर कोराई, अमरजीत पासवान, किस्टो महतो ने संबोधित किया। इस अवसर पर जीतपुर शाखा का गठन किया गया, जिसमें दर्जनों मजदूर शामिल हुए। आज जो है हमारे जीतपुर रोड में आज ठेका मजदूर का एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन होकर यहाँ ठेका मजदूर का पदाधिकारी चुनाव हुआ। आज जो है आज हमारा एक सेल का कोल डिवीजन में वासरी छोड़कर टोटल बंद था, तो हम लोग चासला, जीतपुर, रामनगर, तासरा लगातार हम लोग लड़ाई लड़े। लड़ाई लड़के जो है हम लोग आपका अभी अपर सिंह चालू हो गया, वो आपका चल रहा, रामनगर भी चालू हो गया, जीतपुर का भी ऑर्डर आ गया। अभी चालू नहीं किया, लेकिन मैनेजमेंट का हम लोग दबाव दिए हैं कि आप जल्दी इसको चालू कीजिए, अगर नहीं चालू कीजिएगा तो हम लोग जो है चासला भी हम लोग बंद रखें हैं। अभी तो तुरंत इसको चालू किया हम लोग, और डिमांड किए कि आपका चासरा भी चालू हो गया, चासरा भी ऑर्डर आ गया, वो प्रोडक्शन आपका शुरू हो गया। वेस्ट क्वारी जो है चालू करने का तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम जो है 3 महीने के अंदर वेस्ट क्वारी भी हम चालू करेंगे। अब टोटल जो हमारा सेल का जो कोल डिवीजन है इसको हम लोग चालू करने का डिमांड, पहला डिमांड हमारा है। दूसरा है कि ठेका मजदूर का 26 दिन उसका काम दे, उसको समान काम का समान अधिकार दे। जैसे S1 का हम लोग डिमांड करते हैं कि S1 का उसको पैसा दिया जाए। आपका इनका जो है PF जो है सही ढंग से जमा हो, पेंशन आपका सही ढंग से जमा हो। आपका इसको जो है जो रिटायर होता है नियम है जो है कि 5 साल ड्यूटी करने के बाद उसका अगर रिटायर हो तो उसको ग्रेजुटी उसको मिलना चाहिए। यही सब डिमांड लेकर हम लोग जो है आज का जो है सम्मेलन कर रहे हैं, और सम्मेलन करते जो हम लोग इसमें हम कहेंगे विराज वाला को कि बैठक करके अपना मांग पत्र देकर आज हमारा डिमांड रहेगा कि आप अगर कोलरी जीतपुर चालू हो, उसका आदेश आ गया 18 तारीख को हम बात किए थे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टोटल मैनेजमेंट था, उन लोग बोला ज़्यादा आदेश आ गया, हम जल्द उसको जीतपुर चालू करेंगे। इसीलिए हम लोग जो है ठेका मजदूर के ऊपर यहाँ बहुत शोषण हो रहा था। ठेका लोग डिप्टी जब मर्जी तब किसी को घुमा दे, सही ढंग से पेमेंट नहीं दे, पेमेंट का कोई इन लोग का टाइम नहीं है। इसीलिए एक तो हम लोग सोचते कि टाइम फिक्स हो इसका पेमेंट का। कमेटी का भी गठन किया, हाँ कमेटी हम लोग गठन किए। ये आपका ठेका मजदूर जो है कमेटी बना, ये कमेटी बनकर ये कमेटी चलेगा अच्छा से। ये कमेटी कभी भी जो है दलाली ठेका का जो है इकदार का दलाली नहीं करता, न मैनेजमेंट का दलाली करेगा। वैसा अगर कोई भी आदमी हमारा करेगा तो हम उसको भंग करके दूसरा कमेटी बनाएंगे कि मजदूर का जो है सही अधिकार मिले, उनका सम्मान मिले। उसके लिए हमारा BCKU हर एक जगह हम लोग लड़ता है, हम लोग लड़ेंगे। आज के लिए हम लोग जो है सही अधिकार हम लोग मजदूर को दिलाएंगे। उनके जो प्रतिनिधि उपस्थित थे, उन लोगों ने अपने समस्याओं पर विस्तार से चर्चा किया और आने वाला दिन में संघर्ष करने के लिए एक नए कमेटी का चुनाव किया। और आप नए कमेटी आने वाले दिन में उनके साथ उनके सामने समस्याएं हैं, ये कार्यक्रम है उसको तय करेंगे और उसको सफलतापूर्वक उसका नेतृत्व करेंगे, उसको दिखाएंगे। जो का फसल जीतपुरी में सारे जगह में अभी हो रहा है, एक बिहार को लेकर कामगार उन्होंने इसका शुरू में बुनियाद से विरोध किया है और आज भी विरोध के लिए कमेटी बना है और मजदूर के शोषण को मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मजदूर लोग से अपील करेंगे कि हम लोग जहाँ भी ठेका मजदूर के साथ कुछ कठिनाई हो वो सेंट्रलाइज होकर हम लोग को वहाँ पहुँचना है और सबका दुख दर्द में हम लोग एक दूसरे के प्रति खड़ा होना है। तब जाके ये जो किरदार है, बादंगदार है, बादलाल है,
मैनेजमेंट सबसे हम लोग लड़ाई जीत पाएंगे और ठेका मजदूर पुनः फिर राष्ट्रीयकरण सरकारीकरण जो जाएगा इसके लिए कुछ भी करना होगा।